उत्तरकाशी जनपद में दिवाली पर्व के ठीक एक माह बाद जिले भर में मंगसीर बग्वाल बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसी कड़ी में जनपद मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में 3 दिनों के लिए आयोजित मंगसीर की बग्वाल में लोगों द्वारा भैलोर, रासू और तांदी का भरपूर लुत्फ उठाया गया। कंडार देवता मंदिर से आजाद मैदान तक ग्रामीणों ने बग्वाल का शुभारंभ लोक वाद्य यंत्रों, ढोल दमाऊं और रणसिंगे की थाप के साथ ही मांगल गीतों से किया। वहीं स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने लोगों को मंगसीर बग्वाल की बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्र की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में मदद मिलती है। हमारे टीरी उत्तरकाशी में बहुत प्रचलित है और हर वर्ष जो है आज जो है इस बग्वाल को अंगा फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो जो हमारी लोकल संस्कृति है, तमाम हमारी जो बहनें हैं रासू जी तगाजी भगवान कंडार देवता से होकर रामलीला मैदान की ओर आती है और ये बहुत ही भव्य और दिव्य रहता है। शाम को घरों का दृश्य भी तमाम का कई प्रकार के कार्यक्रम हैं अपनी लोकल संस्कृति जो है और ये लोकल संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अंगा फाउंडेशन लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वहीं बग्वाल में स्थानीय महिलाएं जहां लोक नृत्य करती नजर आई तो वहीं स्थानीय पोशाक और आभूषणों के जरिए वह पहाड़ की लोक संस्कृति की झलक भी पेश कर रही हैं। जी सभी को मंगसीर बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा पूछ रहे ये हमारे पारंपरिक आभूषण है। जैसे ये बता दूं, ये इसको हम लोग खगाली बोलते हैं, हंसी भी बोला जाता है कई कई। ये प्योर चांदी का बना रहता है जो कई तोले का होता है। ये हमारा सुहागिन लोग पहनते हैं जिसको हम लोग तिमणिया बोलते हैं। और जैसे ये है, ये हमारे यहाँ तैज बोलते हैं। और जैसे ये है तो ये मेरी पर दादी से जो पहले से चला रहा है इसको एक तरह से हम जैसे डेकोरेशन के लिए समझ लीजिए उसको सिर्फ अपील होती है ये। और ये चूड़ा है और हम लोग आज के दिन अपने जो भी आभूषण है आज के दिन निकाल के पहनते हैं और एक मिलना मिलाना हो जाता है, नई चीजें सीखी जाती है। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस बग्वाल में स्थानीय भोजन भी परोसा जा रहा है। आयोजक शैलेंद्र नौटियाल का कहना है कि बग्वाल में गढ़ भोज का भी आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को पारंपरिक भोजन के स्वाद से रूबरू कराया जा सके। के लिए दे और हमारे इस बग्वाल में हम लोग गढ़ भोज का भी आयोजन करते हैं। इस गढ़ भोज का अपना विशेष महत्व है क्योंकि इसमें वो चीजें बनाई जाती है जो हमारे पुराने लोग जो उनका खान पान था ताकि उनकी जो लंबी आयु थी उसका कारण भी रहा उनका खान पान शुद्ध था। और इसके साथ ही हम लोग जो है जो हमारे आभूषण है, हमारे जो वस्त्र है, परिधान है, जैसा अभी मैंने पहना है हमारे पुराने लोग इसी तरीके का परिधान पहनते थे। और जो कल महिलाएं जो आपने देखी रासू दल में, इसमें रासू दल भी लगाया जाता है, विभिन्न रासू दल लगा रहे, संस्कृति विभाग भी हमें सहयोग कर रहा है और जिला प्रशासन और पुलिस विभाग।